आप सबको जय मसीह की आज शाम की प्रार्थना में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं, तो प्रार्थना को पूरी जरूर सुनिएगा और लास्ट में आमीन जरूर बोलिएगा। चलिए हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद मेरे स्वर्ग के पिता, पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने हम सबों को जीवित रखा संभाल कर रखा पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर शाम तक संभाल कर रखा जीवित रखा मेरे खुदा यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी कितने तो होंगे जो आज किसान नहीं देख पाए होंगे पिता परमेश्वर, लेकिन तुम महान है पिता परमेश्वर जो हम सबको संभाल कर रखा ताकि हम अपने पापों से मन फिरा सके पिता परमेश्वर और एक अनंत काल का जीवन पा सके। तो हम सबको बहुत प्रभु जी, तो हम सबसे बहुत प्रेम करता है पिता परमेश्वर, हमसे बहुत प्रेम करता है पिता परमेश्वर, तेरा प्रेम सबसे बड़ा है पिता परमेश्वर, हम सबको इसलिए जीवित रखता है ताकि अपने पापों से गुनाहों से मन फिरा सकूं और हम सब तेरे पीछे चल सके पिता परमेश्वर। हम सबको बहुत बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर, आशीष दे पिता परमेश्वर कि हम सब मसीह लोग पिता परमेश्वर तेरे पीछे मन लगा के चल सके पिता परमेश्वर और तेरे वचनों में मजबूत होने पाए पिता परमेश्वर, तेरे वचनों में स्थिर होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो हर एक मसीह वचन पढ़ता है पिता परमेश्वर उसके जीवन में पिता परमेश्वर खाली न जाने पाए पिता परमेश्वर, उसके जीवन में वो वचन लागू होने पाए पिता परमेश्वर और उसके वचन में सौ गुना फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर और वो वचन के अनुसार प्रतिदिन बढ़ सके पिता परमेश्वर, चल सके पिता परमेश्वर। तेरे प्रेम और तेरे पहचान में पिता परमेश्वर हम सब बढ़े पिता परमेश्वर, जैसे तूने दूसरे से प्रेम किया उसी तरह हम सबों को सिखा ताकि हम भी एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने। सबसे बड़ी आज्ञा तेरी प्रेम है, प्रेम ही सबसे बड़ा है। हाँ पिता परमेश्वर हमें एक दूसरे से प्रेम करके रहना है, अपने समान प्रेम करना है। प्रभु जी हम सबको प्रेम करना सिखा पिता परमेश्वर, हम सब प्रभु जी तेरे पीछे चले पिता परमेश्वर, तेरी ही ज्ञान की बातें सीखे पिता परमेश्वर, हम सबको बुद्धि दे पिता परमेश्वर, हम सबके मनों को खोल पिता परमेश्वर, खोल पिता परमेश्वर। सारे पाप के बंधन यीशु मसीह आपके समर्थित नाम से खुदा ने सुन, आपके जलाली नाम से खुदा ने यीशु मसीह खुल सके बंधन, हम सब आजाद हो सके यीशु मसीह के नाम से, सारे पाप के बंधनों से आजाद हो सके। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि सारे पाप क्षमा करने का अधिकार तुझे दिया गया है, स्वर्ग का अधिकार तुझे दिया गया है, पापियों से तू प्रेम करता है, पापियों के पाप क्षमा करता है। हाँ प्रभु आज मसीह अभी भी पाप में है पिता परमेश्वर, अभी भी अपने पापों में जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, वो पाप से निकलना तो चाहते हैं पिता परमेश्वर लेकिन शैतान उन्हें निकलने नहीं देता है पिता परमेश्वर। उन पर तेरा आशीष का हाथ हो पिता परमेश्वर, तेरा दया का हाथ हो पिता परमेश्वर, वो अपने पापों से छुटकारा पा सके पिता परमेश्वर, अपने पापों से वो आजाद हो सके पिता परमेश्वर, अपने पाप के दलदल से खुदा यीशु मसीह वो निकल सके पिता परमेश्वर, पूरी तरीके से वो पवित्र हो सके पिता परमेश्वर और वो तेरे पीछे चल सके पिता परमेश्वर, तेरे नाम की जयकार और तेरे नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा बढ़ाई कर सके पिता परमेश्वर, तेरे नाम की जयकार हो, तेरे नाम की प्रशंसा हो पिता परमेश्वर, तेरे नाम की बढ़ाई हो पिता परमेश्वर। जितना धन्यवाद करो उतना ही कम है क्योंकि सारा दिया हुआ सब यहोवा का है, उसके लिए धन्यवाद ही करो। प्रभु जी जो शाम को सोते हैं पिता परमेश्वर, जो उन्हें गंदे सपने पिता परमेश्वर आते हैं, जो उन्हें डर लगता है पिता परमेश्वर, उनका डर पिता परमेश्वर, गंदे सपने आपके समर्थित नाम से खुदा ने उनके जीवन से उनकी लाइफ से पिता परमेश्वर दूर हो सके पिता परमेश्वर, वो अच्छे से अपने जीवन आपके हाथों में सौंप सके पिता परमेश्वर, अपना जीवन तेरे हाथों में सौंप सके पिता परमेश्वर और वो तेरे पीछे चल सके पिता परमेश्वर, उन पर तेरा आशीष और दया का हाथ बना रहे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जो आज भी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल में अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, ट्यूमर है, कैंसर है पिता परमेश्वर और भी कई तरीके की बीमारियां हैं पिता परमेश्वर, अपने बीमारियों के लेके पिता परमेश्वर हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता परमेश्वर, अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं खुदा यीशु मसीह, आपके समर्थित नाम से पिता परमेश्वर, आपके जलाली नाम से खुदा यीशु मसीह उनकी सारी बीमारियां शरीर से बाहर निकलने पाए। हालेलुया सारी बीमारियां पिता परमेश्वर उनके शरीर से बाहर निकलने पाए और अपने आप को अच्छा है महसूस कर सके पिता परमेश्वर, उन पर तेरा आशीष का हाथ बना रहे पिता परमेश्वर, वो प्रभु जी तेरे पीछे जाए पिता परमेश्वर और तेरे नाम की जयकार और महिमा करे पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति और बढ़ाई करे पिता परमेश्वर क्योंकि तो महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य, प्रशंसा करने के योग्य है, तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा बढ़ाई हो मेरे खुदा यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक मसीह को पिता परमेश्वर बहुत आशीष और बहुत बुद्धि दे, उनकी हर एक सहायता मदद को पूरी कर पिता परमेश्वर,
वो सब प्रभु जी तेरे प्रेम और तेरे पहचान में बढ़े पिता परमेश्वर, प्रतिदिन तुझ में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर, वचन में मजबूत होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि जब पिता परमेश्वर तेरा आगमन हो तब हम सब प्रभु जी तेरे साथ जा सके पिता परमेश्वर, हम सबको वचन में मजबूत कर पिता परमेश्वर। जो मसीही मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके सारे रोग और सारी बीमारियों को ठीक कर दे खुदा यीशु मसीह, उनको उनके जीवन में प्रभु जी 100 गुना फलवंत होने पाए। जो वचन पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में उनकी लाइफ में 100 गुना फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना जो सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, वो सारे रोगों से चंगे होने पाए पिता परमेश्वर, उनको बहुत आशीष और बुद्धि दे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हरे मसीह पिता परमेश्वर, तेरा वचन पढ़े पिता परमेश्वर और समय से प्रार्थना करे खुदा यीशु मसीह, ने बहुत बुद्धि और ज्ञान और समझ दे पिता परमेश्वर, क्योंकि महान अति महान है मेरा पिता परमेश्वर, तू बहुत महान है, तू बहुत महान है, तू दयालु है, कृपालु है पिता परमेश्वर, तू पापियों को अपने गले लगाता है, पापियों के पाप क्षमा करता है। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे कोड़े खाने से, तेरे लहू बहाने से खुदा यीशु मसीह, हम सबों के पापों को अपराधों की क्षमा मिली है पिता परमेश्वर, तू महान है पिता परमेश्वर, तेरा प्रेम सबसे बड़ा है कि तूने हम पापियों के लिए अपना एक पवित्र लहू बहाया है, और मेरा यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है, उसकी महिमा करो। ऐसा कोई नहीं है कि जो मुर्दों में से जी उठे, एक यीशु ही मसीह है जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है, मुर्दों को जिलाने वाला यीशु मसीह है। हे पिता परमेश्वर, हम सब पर तेरा आशीष का हाथ बना रहे पिता परमेश्वर, हम सबको बहुत बुद्धि और ज्ञान दे, हम सब प्रभु जी तेरे वचनों में प्रतिदिन बढ़ते जाए पिता परमेश्वर, हरे मसीह को प्रभु जी तेरे आड़ में छिपाती हूँ पिता परमेश्वर, ताकि शैतान की छाया न पड़ने पाए पिता परमेश्वर, वो प्रभु जी पूरी तरीके से पवित्र हो सके पिता परमेश्वर, जैसा तू पवित्र है हम सबों को पवित्र बना, ताकि तेरे सामने खड़े होने के योग्य बने पिता परमेश्वर, हम सबको पवित्र बना पिता परमेश्वर, पवित्र बना मेरे खुदा यीशु मसीह, प्रभु जी तेरे नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा बढ़ाई हो मेरे खुदा यीशु मसीह, हर एक मसीह प्रभु जी तुझ में पढ़े पिता परमेश्वर, सबको आशीष और बुद्धि दे पिता परमेश्वर, सबकी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर, आज के सांत्र हाथों में सौंपते हो पिता परमेश्वर, यह छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मानती हूँ, आमीन।